मैंने बहुत सारी कन्नड़ा मूवी देखा और अलग अलग जॉनर वाली फिल्म देखा, लेकिन ये जॉनर मुझसे कहीं ना कहीं मिसिंग था। लेकिन फाइनली आप लोगों के कहने पर मैंने ये फिल्म को देख लिया, और ये फिल्म मुझे कैसी लगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मूवी में हमें नजर आते हैं चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर, और मैं आपको बता दूं कि चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की मैंने और भी फिल्में देख चुका हूं, उसका भी रिव्यू मैं आने वाले कल में करूंगा। लेकिन फिलहाल तो हम इस मूवी की बात करेंगे जिसका नाम है नवग्रह, क्योंकि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कन्नड़ा सिनेमा की अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाई गई फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूं, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मुझसे एक छुपा हुआ था। लेकिन फाइनली मैंने इस कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म को भी देख लिया, और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि स्टार्ट से लेके एंड तक आप कहीं पे भी बोर होते नहीं हो। और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी जान है वो एक ट्विस्ट, जो कि फिल्म खत्म होने से कुछ ही वक्त पहले रिवील होता है। अब वो ट्विस्ट इतना जबरदस्त है कि पूरी की फिल्म बदल सी जाती है, समझ लो। स्टार्ट से आप कुछ और देख रहे हो और वो ट्विस्ट के बाद पूरी की पूरी फिल्म चेंज हो जाती है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म की कहानी मैं आपको बताता हूं, कहानी शुरू होती है चैलेंज स्टार दर्शन सर से, जिनका इस मूवी में नाम है जग्गू। उनको एक मिशन सौंपा था, वो मिशन ये होता है कि मैसूर पैलेस में एक रॉयल अंबरी नाम की एक गोल्ड की मंडप है, उसे इनको चुराना है। अब ये उस मंडप को किस तरह से चुराते, कैसे चुराते और चुराने के बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो देखिए, इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है चोरी पर बेस्ड है, रॉबरी पर बेस्ड है, तो इस पर हमने बनाई गई काफी फिल्में देख चुके, लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये कि इसमें आपको एक बेहतरीन बीजीएम देखने मिलेगा, एक जबरदस्त स्टोरी देखने मिलेगी, और एक ऐसा ट्विस्ट जो मतलब आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने इस फिल्म को देखना स्टार्ट किया तो मैंने किसी के भी मुंह से सुना नहीं कि भाई इसकी कहानी क्या थी, क्या कुछ है, क्योंकि अगर मैं सुन लेता तो वो जो ट्विस्ट था ना उसके बारे में मुझे पता चल जाता, और वही ट्विस्ट इस फिल्म की जो मेन जान है, मतलब बोलता कि वहां से मेरा दिमाग ऐसा होता, मतलब ये क्या है। और सच में बता रहा, एंड जो इस मूवी का होता है वो मैंने एंड भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरे लिए काफी शॉकिंग था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मूवी 2008 में आई थी, लेकिन कहीं से भी आपको ऐसी लगती नहीं कि ये बहुत ही पुरानी मूवी है, बिल्कुल उस वक्त जैसी फिल्में बनती थी वैसी ही फिल्में। हालांकि 2020 है अभी, अभी क्या फिल्में बनाने का जो तरीका, टेक्नोलॉजी और काफी चीजें चेंज हो गई, तो इस वजह से आपको ऐसे लगता है। लेकिन अगर आप इसकी कहानी पे नोटिस करोगे, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक पे, एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे, तो आपको कहीं से भी ऐसा लगती नहीं कि 2008 की फिल्म। और मैं इतना कह सकता हूँ कि चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर के जो भी फैन थे, जिन लोगों ने मुझे इस फिल्म को रिकमेंड किया, मैं बोलता हूँ भाई सच में बोल रहा हूँ, ये फिल्म स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको एंटरटेन करती है, कुछ अलग हटके देखने को मिलता है। और चैलेंज स्टार दर्शन सर हमें एक ऐसे रोल में देखने को मिलते हैं जो शायद आप लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा उस वक्त में, और मैंने भी आज जब ये फिल्म देखा तो मैंने भी ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि बहुत ही अलग ही लेवल की बात थी। मैं इतना कहूंगा कि चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर को इस तरीके का रोल और भी करना चाहिए, कि अब वो इस तरीके का, मतलब वो रॉबरी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं जो बात बोल रहा हूं वो कुछ और ही है, वो आप अगर इस फिल्म को देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो मैं उनको कुछ इस तरीके के रोल में और भी फ्यूचर में देखना चाहूंगा अब। लेकिन उनकी जो लेटेस्ट फिल्म है जो आने वाली वो है रॉबर्ट, तो जैसे कि आपको बताओ कि रॉबर्ट का भी हम लोग घोषण कर रहे हैं, क्योंकि उस फिल्म में भी वो जो पोटेंशियल है वो साफ नजर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, क्योंकि वो हिंदी में रिलीज होगी नहीं, लेकिन हम लोग उसी लैंग्वेज में देखेंगे और आपको उसका भी रिव्यू करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि अगर आपको नवग्रह मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको हिंदी में लिंक मिल जाएगी, कन्नड़ा की लिंक अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च करो नवग्रह इन कन्नड़ा, तो वो भी आ जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मेरे जितने भी व्यूअर्स है मैं लोग इतना बोलूंगी, अगर आपको साउथ की फिल्में, एक्शन वाली फिल्में या कुछ रॉबरी पर बेस्ड फिल्में देखना पसंद है, या अगर आपको चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की मूवी देखना पसंद है, तो इस मूवी को आपको कहीं से भी मिस नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ग्रीन सिग्नल है कि आप जरूर इस मूवी को देखना, आप लोग एंटरटेन जरूर होगे। तो बस इस वीडियो में इतना है, मैं हूँ राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में, तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल दुआ में याद रखना।